होगी प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम। क्या इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी? क्या कहना है फिल्म के स्टोरी लाइन का? दोस्तों, आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। मैं अपर्णा वत्स स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। प्रभास और पूजा हेगड़े की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा जल्दी हमें बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे से इंतजार के बाद फैंस को ये खुशी हासिल हुई। राधे श्याम की शूटिंग मुख्य तौर पर यूरोप के 1970s वाले सेट के तर्ज पर हुई है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है राधा कृष्णा ने। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पहली बार प्रभास के ऑपोजिट नजर आएंगी पूजा हेगड़े। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन के सॉन्ग्स को कंपोज किया है मिथुन और मनन भारद्वाज ने। राधे श्याम को लेकर प्रभास और पूजा हेगड़े के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लंबे अरसे के इंतजार के बाद अब हमें ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दिखेगी। सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि फिल्म को 30 जुलाई 2021 को थिएटर में रिलीज किया जा सकता है। पूजा हेगड़े के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं साउथ के मशहूर सुपरस्टार हमारे बाहुबली यानी प्रभास। दोस्तों, प्रभास का क्रेज ऐसा है कि वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है, स्पेशली लड़कियों के दिल में। बाहुबली के बाद से ही प्रभास नेशनल क्रश बन गए हैं और हर दिन उनकी कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती। वेल, हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ बड़े स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखेंगे। राधे श्याम की बात करें तो ये 1960 से 70 में बसे यूरोप की एक लव स्टोरी ड्रामा है। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी और इन दोनों बहनों को प्रभास से प्यार हो जाता है। एट द एंड इन दोनों में से किसी एक को अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वेल, आगे की स्टोरी क्या है और प्रभास किस किरदार में नजर आने वाले हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक फिल्म की यूनिट की तरफ से स्टोरी लाइन की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो अटकलों से दूर रहें और आने वाले दिनों में खुद थिएटर में जाके देखें कि फिल्म की स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। फिल्म की मुख्य स्टोरी लाइन एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कंपैरिजन पर बेस्ड है। आपको बता दें, इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा और भी कई नामी चेहरे देखने को मिलेंगे। बीते वैलेंटाइंस डे को फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया गया। हमें ये जानकारी भी हाथ लगी है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म मलयालम, तेलुगु और तमिल, साथ ही हिंदी में रिलीज की जाएगी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया और जैसे ही टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इस टीजर में प्रभास एक ट्रेन में जंप करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की और पूजा हेगड़े उनसे पूछती हैं कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? तो उसका जवाब प्रभास देते हैं, नहीं, मैं रोमियो के जैसा नहीं हूँ, वो प्यार की खातिर मर गया लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। टीजर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिल्म कैसी होती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जितने भी मूवी प्रेमी हैं वो सब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म का टीजर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा लंबा इंतजार अब बस
कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। हम जल्दी बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों कलाकारों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल बॉलीग्रिड स्टूडियोज के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको आने वाली कौन सी मूवीज की डिटेल्स, स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी लाइन जाननी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डिमांड्स को फुलफिल कर सकूं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।